क्या पका रही हो उधर का? नजर नहीं आ रहा। आलू पालक। वो ताईजान कहाँ है? अपने कमरे में। सलाम अलैकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। ताईजान आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। बैठो बैठो, इतनी छोटी छोटी सी बातों पे जान निकाल लोगी तो कोई बड़ी बात होगी तो फिर क्या करोगी? तब तो मर ही जाऊंगी मैं। आप मुझे प्लीज अपनी डायरी तो दिखाएं। ये रखी हुई है। ये कौन थी? और इसे देख के तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मेरी चचा दादा अनम मंगेतर थी मेरी। तुम्हारी मंगेतर? और ये? हाँ तो नहीं, मतलब बहुत प्यारी है वो। तभी तो अच्छी लगती थी मुझे। फिर शादी क्यों नहीं हुई? चचा ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो क्यों? पता नहीं क्या उनके दिमाग में फितूर आ गया कि हमारा पैसा हलाल का या हराम का। रिश्ता भी तोड़ दिया और ताल्लुक भी। फिर भी ये यहाँ गए शगुफ्ता बाजी से मिलने। लेकिन क्यों? पता नहीं, शगुफ्ता बाजी ने इसको भी फंसा लिया होगा। अच्छा, वो शगुफ्ता बाजी की चाय के लिए दूध नहीं आया आज, जरा जाके तुम बोले आओ। ठीक है, मैं समझाती हूँ तुम्हें। ये 5,000 एक इस तारीख को, ये 10 याद है ना, और ये 20 लिए थे तुमने गाड़ी ठीक कराने के लिए। उसके बाद 5 लाख तुमने फराज के लिए लिया था शायद, तो ये कुल हो गए 6.5। हाँ 6.5, और इसमें 1.5 लाख प्रॉफिट। 1.5 लाख प्रॉफिट किस बात का है? किस बात का क्या मतलब बेटा, मुश्किल और मुसीबत में तुम्हारी मदद करने का। आपके कहने का मतलब है सूद। तुम कह लो सूद कहना चाहती हो तो मेरे लिए तो प्रॉफिट ही है। नहीं ताईजान, ये जुल्म है, ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। आप एक काम करें, ये 5 लाख, बाकी के 3 लाख का निजाम मैं कर दूंगी कहीं से। आप इसको तो रखिए, मेरे पेपर्स वापस कर दें बस। जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तब आ जाना, ले जाना रजिस्ट्री, ये उठा लो, मुझे पूरे पैसे चाहिए। आपको क्या हो गया ताइमी? रहम करें, पेपर्स वापस करें मुझे। रहम ही किया है तो इतने सारे पैसे दिए, कोई देता है आजकल के जमाने में? अच्छा मुझ पर एक और एहसान करते, फिलहाल आप ये पैसे रखें, मुझे पेपर्स वापस कर दें, मैं 3 लाख का इंतजाम करती हूँ ना कहीं से। सॉरी, जब तक तुम 3 लाख का बंदोबस्त करोगे प्रॉफिट तो बढ़ के 6 लाख हो जाएगा। क्या मतलब, वो कैसे? यही तो हमारे कारोबार की खूबी है अनम बेटा, कि हर आने वाला दिन प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा के हमें अमीर तरीन करता जाता है। काश मैं हकीकत जानती होती ना तो आपसे कभी 1 रुपया भी ना लेती। चलो अब तो ले लिया, क्या करें अब। अगर तुमने जल्द से जल्द पैसे ना लौटाए तो मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारे अब्बा का घर बिक भी सकता है। नहीं नहीं ताईजान, ऐसा मत करिएगा। मैं इंतजाम करती हूँ ना किसी तरह 3 लाख का, आप घर का कुछ मत कीजिएगा, मैं कुछ करती हूँ।